हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर वो सैम्पल पेपर जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास टेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश के उन स्टूडेंट्स के लिए जारी किया है जो इस साल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं फोर्टी एट लिए हुए ये सैम्पल पेपर एम की फॉर्म में है और स्टूडेंट्स को एक बहुत अच्छा आप कहें कि इस सैम्पल पेपर को करने के बाद में उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हम बारम बार सराहना कर रहे हैं बोर्ड के इस कदम की कि कितना अच्छा बोर्ड ने यह प्रयास किया है कि स्टूडेंट्स की हेल्प की है कि स्टूडेंट्स फेमिलियर हो जाएं एम की फॉर्म में आपका जो फिफ्टी परसेंट पेपर आएगा एट्टी में से फोर्टी मार्क्स का जो आपका पेपर आएगा उसको आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है तो बोर्ड ने आपको काफ़ी सहूलियत कर दी है वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू आपको आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल जाएंगी ये वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं ये वॉल्यूम नंबर थ्री है चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है सेक्शन सी की हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है वहां से ये लिया गया है और यहां पर हम कॉम्प्रिह पैसेजेस और फॉर कॉम्प्रियशन ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है रीड द पैसेजेस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बाई चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गि ऑप्शन इसका मतलब क्या हुआ थ्री पैसेजेज आपको मिलेंगे और उसमें से एन ए टू के आपके पास चॉइस रहने वाली है अब स्टार्ट करते हैं ये पैसेज आपको दिया क्या है द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेस हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर तो यहाँ ये यंग सीगल की स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर का नेम है और यंग सीगल के कितने ब्रदर्स थे टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर यानी कि उसके टू ब्रदर्स थे और वन सिस्टर थी क्या कर रहे थे हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर तो वो एक दिन पहले ही उड़कर चले गए थे ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद ही हैड बिन अफ्रेड टू फ्लाई विद लेकिन जो यंग सीगल था उसको उड़ने में डर लग रहा था विद दैम समहाउ वैन ही हैजेक ए लिटल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज अटेम्प्टू फ्लैफ हिज विंग्स बिकेम अफ्रेड तो वो जो शिला फ्लक थी उसके किनारे तक वो जैसे ही गया अपने पंखों को उसने फड़फड़ाने का अटैम्प्ट किया कोशिश की तो वो डर गया द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी क्योंकि नीचे जो सी था समुद्र था उसका बहुत ज़्यादा विस्तृत फैलाव था डाउन बेनिथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन बाईस डाउन तो उसको देखने में ऐसा लगता था कि नीचे जाते हुए अगर वो गिर गया तो उसे मीलों की दूरी तय करनी पड़ेगी ही फेल्ट अट एन दैट हिज विंग्स वुड ने स्पोर्ट हिम ये सबसे बड़ा उसका डर था अर्ट एन दैट हिज विंग्स वुड ने स्पोर्ट हिम इसलिए वो नहीं उड़ पा रहा था सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लैप्ट एट नाइट ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि वो फिर अपना सिर झुकाकर वापस वहीं पर आ जाता है लेज के ऊपर आ जाता है और वहाँ एक अवे टू द लिटल होल अंडर द लेज लेज के नीचे एक छोटे से होल में वो चला जाता है और पूरी रात वो वहीं पे बिताता है अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया नेम द राइटर तो यहाँ च्वाइस आपको दी गई हैं लियाम ऑफ फ्लैहटी फ्रेडरिक फॉरसिथ जी एल्फेंटेस एनी फ्रेंक तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लियाम ऑफ फ्लेहर्टी। हिज फर्स्ट फ्लाइट लियाम ऑफ फ्लेहर्टी। नेम द चैप्टर यहाँ चॉइसेस दी गई हैं तो बी चॉइस आपकी करेक्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट ये चैप्टर का नेम है नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द यंग सीगल हैव उसके कितने भाई बहन थे चॉइसेस यहां दी गई हैं टू ब्रदर्स वन सिस्टर यानी कि बोथ एंड बी सी चॉइस आपकी करेक्ट यहां पर रहेगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी पैसेज का फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया वाई हैड ही नॉट गॉन विद देम तो वो उनके साथ क्यों नहीं गया था ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई क्योंकि उसे उड़ते हुए डर लग रहा था वट वॉज हिज सर्टेन अबाउट हमने अंडरलाइन करके आपको पैसेज में बतलाया था उसे किस चीज़ का डर था हिज विंग्स वुड नेवर स्पोर्ट हिम भी च्वाइस दी गई हिज विंग्स वुड स्पोर्ट हिम सी च्वाइस हिज लेग्स वुड नेवर स्पोर्ट हिम तो केवल उसका एक ही डर था और वो था हिज विंग्स वुड नेवर स्पोर्ट हिम तो ये आपको देखिए पैसेज आपने अगर ध्यान से पढ़ा है उसकी रीडिंग प्रॉपर तरीके से आपने की है तो कोई भी ये जो एम सी क्यूज आपसे पूछे गए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहाँ आपको आंसर करने में डिफिकल्टी किसी भी तरीके की महसूस हुई हो अब ये देखिए सेकेंड आपको पैसेज दिया गया है इसकी रीडिंग करके आप देखते हैं पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बस यही एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रेंक जिसके आप कहें राइटर ऑथरेस लेखिका एने फ्रेंक हैं। आई थॉट ऑफ दिस से ऑन वन ऑफ those days when i was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands bored and listless wondering whether to stay in or go out i, fin I finally stayed where i was brooding brooding means soch sochna yes paper does have more patience than since i am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook और ये जो स्टिप बैक नोटबुक है ये एन ए फ्रेंक ने अपनी डायरी के लिए ये वर्ड ये फ्रेज यूज किया है और उनकी जो डायरी थी वो उसका क्या नाम रखा था किटी नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ देखिए अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस Now, I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Let me put it more clearly since no one will believe that a 13 year old girl is completely alone in the world and I am not, I have loving parents and a 16 year old sister, and there are about 30 people. I can call friends. I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. वो कहते हैं कि थर्टी पीपल उनके अराउंड थे उनकी सिस्टर भी थी उनकी सिस्टर की एज सिक्सटीन ईयर्स थी और उनकी फैमिली भी थी उनके आंट्स भी थे लेकिन सारा सब कुछ होते हुए वो कहते हैं कि वो सही तरीके से आप कहें कि उनके कोई नजदीकी कहें या आप कहें ट्रू फ्रेंड उनके पास नहीं था ये पर्टिकुलर वर्ड आप नोट डाउन कर लेंगे नॉट हैविंग अ ट्रू फ्रेंड उनके पास एक सच्चा दोस्त नहीं था तो यहां अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की बारी आती है देखिए नेम द चैप्टर इज़ फर्स्ट फ्लाइट ब्लैक एरोप्लेन ए लेटर टू गॉड और चैप्टर का नेम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंक नेम द राइटर डी चॉइस करेक्ट हो जाएगी और थ्रेस एनी फ्रेंक वट सेंग डिड यू थिंक अबाउट कौन सी कहावत के बारे में वो सोचती हैं तो यहाँ पैसेज में आपको मिला था अंडरलाइन करके आपको फिर से एक बार बतला देते हैं दिखा देते हैं देखिए सबसे पहली बात तो पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल ये आपका करेक्ट आंसर होगा और यहाँ पैसेज के अंदर ये लाइन आपकी आई भी थी बिल्कुल फर्स्ट लाइन देखिए पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल ये आपका करेक्ट आंसर होगा उसके बाद में हम बात करते हैं वाई डिड एन ए फील हर सेल्फ अलोन इवन आफ्टर हैविंग थर्टी पीपल अराउंड हर उनके इर्द गिर्द तीस लोग थे उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनकी आंट्स थी लेकिन फिर भी वो अलोन फील करती थी अकेला महसूस करती थी क्यों करती थी लास्ट आपका वर्ड आया था हमने बार बार उसको एम्फेसाइज किया था बिकज सी वॉज नॉट हैविंग ट्रू फ्रेंड नो ट्रू फ्रेंड यह आपका करेक्ट आंसर होगा और आगे बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग आपसे पूछा गया फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पेज सिमिलर इन मीनिंग टू काम काम मीन्स ये सिनोनिम्स पर्याची की बात है पेशेंस शांत या धैर्यवान काम मीन्स पेशेंस यहां इस पैसेज में मोस्ट अप्रोप्रियट ये वर्ड मीनिंग रहेगा। आपसे एक और पैसेज यहां दिया गया है। एंगेजमेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जो घर के अंदर जो लेडी है महिला हैं वो सैंडविचेज कब बनाती है तो आपका आंसर होगा ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट अपनी बेटी की सगाई पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा केक्स एंड बॉल आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस। क्रिसमस के त्यौहार पर कौन सी मिठाइयां वहां पर बनती हैं कौन सी चीजें वहां पर बनाई जाती हैं सेलिब्रेट करने के लिए तो केक्स एंड बॉल ये आपका करेक्ट आंसर होगा एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन विलेज इज अब्सोल्यूटली एसेंशियल द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई और जो बेकर्स थे उनकी जो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जो एक ड्रेस होती थी उनकी यूनिफॉर्म होती थी वर्दी होती थी उसको कबाई कहा जाता था इट वॉज़ ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज घुटनों तक आने वाली एक लंबी सी सिंगल पीस यानी कि इसके और टुकड़े नहीं होते तो ये एक लंबी सी फ्रॉक टाइप की ड्रेस होती है और सिंगल पीस होती है ऊपर से नीचे तक एक ही टुकड़े की जो है बनी होती है इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकस वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स इवन टूडे एन वन हुस हाफ पैंट विच रीच इज बिलो द नीज इनवाइट द कमेंट दैट ही इज जस्ट लाइक ए पेडर तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया नेम द चैप्टर चैप्टर का आपको नेम यहां बतलाना है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकर फॉर्म गोवा नेम गोवा लूसियो रॉड्रिगस ऑन विच ओकेजन मस्ट द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेज देखिए आपको बतलाया था पैसेज की जब हम रीडिंग कर रहे थे ऑन हर डॉटर्स एंगेजमेंट सी च्वाइस आपकी यहां करेक्ट रहेगी वॉट इज मस्ट फॉर क्रिसमस क्रिसमस के लिए क्या मस्ट है क्या जरूरी है बाकी फेस्टिवल्स के लिए भी केक्स एंड बोलेन हाजस इसलिए सी च्वाइस आपकी करेक्ट रहेगी बोथ ए एंड बी केक्स एंड बोलेन हास फाइंड अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू पार्शियली पार्शली का अपोजिट मीनिंग आपको बतलाना है तो यहां आप च्वाइसिस देंगे पार्शली absolutely अपोजिट मीनिंग पार्शली absolutely फिर एक यहां आपको पोएम से स्टेंजा दिया गया है देखिए रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट फॉलो सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर देखिए एक लाइन ये यह यहां पर आपकी कंप्लीट होती है इन फायर सम से इन आइस और फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर थर्ड लाइन आई होल्ड विद दो यहां सबसे पहली बात नोट करने की देखिए फर्स्ट लाइन सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है फायर राइम स्कीम आपसे पूछी जाएगी तो फायर फायर को हम ए मान लेंगे सम से इन आइस फायर की और आइस की कोई राइमिंग नहीं होती लैबबद्धता नहीं होती इसलिए आइस को हम बी मान लेंगे देन फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड डिज़ायर फायर और डिज़ायर राइमिंग वर्ड्स हैं इसलिए हम फिर से ए मानेंगे आई होल्ड विद दो फेवर फायर फिर से फायर आ गया फायर डिज़ायर फायर ये राइमिंग वर्ड्स हैं तो फिर से हम ए लिखेंगे तो राइम स्कीम जो है इस स्टेंजा के लिए सबसे तो पहली बात आपसे पूछा गया नेम द पोएम तो आपका आंसर होगा बी फायर एंड आइस नेम द पोएट करेक्ट आंसर फिर से बी रॉबर्ट फ्रोस्ट फायर ए सिंबल ऑफ फायर इज ए सिंबल ऑफ टेस्टेड ऑफ डिजायर जैसे लिखा हुआ है तो एंडलेस डिजायर कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाएं राइम स्कीम आपसे पूछा जाएगा तो ए बी ए ए ये आपकी राइम स्कीम होगी और देखिए आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं यहाँ आप देखिए वट इज आइस ए सिंबल ऑफ आइस ए सिंबल ऑफ आइस हेटर्ड और वट इज राइम स्कीम ऑफ दिस टेंजा तो राइम स्कीम ऑफ दिस टेंजा इज ए बी ए ए कैसे आपको करके अभी दिखलाया था तो यहाँ च्वाइसिस की अगर बात की जाए तो ए चॉइस आपकी करेक्ट होगी ए बी ए ए ये आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ से जारी किया गया सैंपल पेपर हमने पूर्ण रूप से आपके साथ डिस्कस कर दिया है उम्मीद करते हैं आप में कॉन्फिडेंस जो है आपका काफ़ी बड़ा होगा और आप काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आपका पेपर इस बार आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक थैंक्स अ नाइस डे और अब हम शुरुआत करेंगे बोर्ड ने जो क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर जारी किया है उसको इसी तरीके से हम टू थ्री वॉल्यूम्स में डिस्कस करेंगे इसलिए बने रहें आपके अपने चैनल जस्ट फंड विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर और क्योंकि ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बनी है इसलिए कोशिश कीजिए आप तक ये वीडियो पहुंचती है आपको लगे आपका फ़ायदा हुआ है तो अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएंगे थैंक्स हैव है नाइस डे